दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रही हूँ कि आप अहमदाबाद से सापुतारा कैसे पहुँच सकते हो। एयरवेज़, रोडवेज़ या रेलवेज़, तीनों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आप कैसे सापुतारा पहुँच सकते हो। सापुतारा गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में आने वाला एक बेहतरीन हिल स्टेशन है, जिसे मानसून के समय में सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। आप सापुतारा अगर घूमने की प्लान कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कैसे आपको यहाँ पर पहुँचना चाहिए और कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करना चाहिए जो आपके बजट फ्रेंडली भी रहे और आपको बहुत ही आसानी से सापुतारा पहुँचा दे, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सापुतारा में कौन सी बेस्ट प्लेसेस है और उसके आसपास कौन सी बेस्ट प्लेसेस हैं जिसे दो दिन के समय में आप आसानी से घूम सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने अपने चैनल में शेयर कर ली है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक या फिर इस वीडियो की एंड स्क्रीन में आप उस वीडियो से रिलेटेड उसके लिंक देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे सापुतारा पहुँच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे महंगा साधन एयरवेज के द्वारा आप सापुतारा कैसे पहुँच सकते हैं, मतलब फ्लाइट करके आप कैसे सापुतारा पहुँच सकते हैं। देखिए दोस्तों, सापुतारा एक हिल स्टेशन है, इसीलिए सापुतारा तक आपको डायरेक्ट कोई भी अहमदाबाद से फ्लाइट नहीं मिलेगी, तो आपको वाया वाया करके सापुतारा पहुंचना होगा। तो सबसे पहले आपको अहमदाबाद से सूरत, जो कि उसका नियरेस्ट प्लेस है, वहां की आपको फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। तो आपको अहमदाबाद से सूरत की फ़्लाइट लेनी पड़ेगी और उसके बाद सूरत से आप पर्सनल अपनी टैक्सी करके, कोई प्राइवेट टैक्सी करके या फिर गवर्नमेंट की चलने वाली बस जो है वो करके आप पहुंच सकते हैं आसानी से सापुतारा तक। सापुतारा में बस स्टैंड है जो कि प्रॉपर सर्कल के पास में ही है, जो आपको कोई भी गवर्नमेंट की बस जो GSRTC की चलती है वो आपको पहुंचा देगी। आप प्राइवेट आप टैक्सी भी जो करते हैं वो भी पहुँचा देगी। इसके अलावा अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सूरत से आपको वघई, जो कि उसकी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वघई में, वहाँ आपको सूरत से वघई आना पड़ेगा ट्रेन करके, और वघई से आप जो है बस करके सापुतारा पहुँच सकते हैं। वघई के पास में ही बस स्टैंड है जो जहाँ से 1 से 1.5 घंटे की दूरी में है सापुतारा, तो वहाँ से आप बस करके सापुतारा पहुँच सकते हैं। तो इन शॉर्ट, आप अगर फ्लाइट से आना चाहते हैं तो पहले अहमदाबाद से सूरत आइए और सूरत से आप डायरेक्ट बस करके GSRTC की या प्राइवेट बसेस करके आप सापुतारा पहुंच सकते हैं, या फिर अगर ट्रेन प्रेफर करते हैं तो सूरत से वघई आइए एंड देन वघई से जो बस चलती है या प्राइवेट जो जीप या टैक्सी चलती है वो आप करके सापुतारा पहुंच सकते हैं। तो ये तो बात हुई एयरवेज की। नाउ अब हम दूसरे मीडियम की बात करते हैं जो है रेलवेज। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से सापुतारा आने की सोच रहे हैं तो वापस, क्योंकि सापुतारा एक हिल स्टेशन है, काफी ऊंचाई में है, इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी ट्रेन ऐसी नहीं मिलेगी जो आपको डायरेक्ट सापुतारा पहुँचा दे। तो अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो अहमदाबाद से वघई के लिए आपको ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, लेकिन अहमदाबाद से वघई तक पहुँचने वाली ट्रेन भी बहुत लिमिटेड है और वो बहुत कम चलती हैं और टाइमिंग्स भी उनके बहुत ही ऐसे हैं जो आपको शायद सूट ना हो सके। फिर भी यदि आप रेलवेज के माध्यम से आना चाहते हैं तो अहमदाबाद से आप सूरत आ सकते हैं और सूरत से जो है आप डायरेक्ट बस करके सापुतारा पहुंच सकते हैं, या फिर सूरत से आप वघई की ट्रेन ले सकते हैं और वघई से आप बस करके जो गवर्नमेंट की बस चलती है या कोई टैक्सी करके आप सापुतारा पहुँच सकते हैं। तो आप अगर रेलवेज के थ्रू आना चाहते हैं तो अहमदाबाद से वघई की या तो डायरेक्ट आप ट्रेन पकड़िए, या फिर अगर आपको वो ट्रेन नहीं मिल रही तो अहमदाबाद से सूरत, सूरत से वघई तक की ट्रेन और वघई से आपको बस करके सापुतारा पहुंचना पड़ेगा। तो ये तो हुआ रेलवे का माध्यम। चलिए दोस्तों, अब हम लास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रोडवेज के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब रोड के थ्रू बस में या फिर अपनी खुद की गाड़ी करके आप सापुतारा कैसे पहुँच सकते हैं। अगर आप रोडवेज के थ्रू आने का सोच रहे हैं तो आप ये जो डिसीज़न ले रहे हैं ये बहुत ही सही डिसीज़न है, क्योंकि अहमदाबाद से डायरेक्ट सापुतारा की बसें आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। प्राइवेट बसें भी और GSRTC गवर्नमेंट की बसें भी चलती हैं, जो आपको ऑनलाइन भी जिसका आप टिकट बुक करवा सकते हैं या डायरेक्ट बस सेंटर में जाकर आप इसके टिकट बुक करवा सकते हैं। यदि हम बात गुजरात गवर्नमेंट की बसें
जीएसआरटीसी की बसेस की बात करें तो गीता मंदिर जो है अहमदाबाद में जगह है, वहाँ पर यहाँ पर मॉर्निंग से लेकर नाइट तक की अलग अलग स्लॉट की बसेस चलती हैं। सापूतारा के लिए 9 से 9.5 घंटे का समय लगता है, 500 से मैक्सिमम 800 रुपये का पर पर्सन का इसमें खर्चा लगता है और आप आसानी से डायरेक्ट सापूतारा पहुँच सकते हैं। स्लीपर बसें, एसी स्लीपर बसेस, बहुत सारी बसें की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है, तो इस तरीके से आप रोडवेज के माध्यम से सापूतारा आ सकते हैं। तो अब हम तीनों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को अगर कंपेयर करें, एयरवेज, रेलवेज और रोडवेज, तो यहाँ पर हमें यह साफ समझ में आ रहा है कि रोडवेज सबसे बेस्ट मीडियम है सापूतारा पहुँचने का, क्योंकि ये एक तो सबसे पहले डायरेक्ट मीडियम है, बहुत ही आसानी से आप डायरेक्टली सापूतारा पहुँच सकते हैं। दूसरा, ये सुविधाजनक भी, और इसका खर्चा जो है, किराया है, वो भी काफ़ी रिजनेबल है। तो अगर आप सापूतारा आने की सोच रहे हैं तो आप रोडवेज के आने का डिसीजन लीजिए और रोडवेज के थ्रू सापूतारा पहुंचिए और इस सुंदर से हिल स्टेशन में आकर समय बिताइए और इंजॉय योरसेल्फ।